कॉल की सानू वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह जी। भुपिंदर सिंह बाई जी खड़े ने एस एस साहब इधर करन यानी कि बहुत सारे लोग जो खड़े ने इन्होंने सारे ने सानू कॉल की वीडियो बना के भेजी। इतने एक भैन नगन अवस्था च पई सी आ बिल्कुल बिना कपड़िया तो अल्फ नंगी। ये भैणा ने कपड़े पवाए आ अपने घरों लिया के कदों दी जी सर इतने पई कुड़ी कपड़िया तो बिना कल दी देखो इतने पहुंचे मुंडिया कलां चंडीगढ़ रोड के उपर इतों की हजारा नहीं लखा ही लोग निकलते हर रोज इतों की लखा ही कल की तो वीरे होनी दसते हैं भी मतलब चौबी घंटे तो वध समा हो गया बिना कपड़िया तो पई है भैन। एक इंसानियत के नाते सरदार भुपिंदर सिंह जी उन्होंने भी साडे नाल संपर्क किया करणवीर ने भी किया होर भी वीर ने जी कैप्टन सरूप सिंह जी उन्होंने भी किया सानू वीडियो बना के भेजी दस्या ये भैन जी उन्होंने घरों लिया के धन्यवाद भैन तेरा बहुत अच्छा ये भी मुलाजम ठीक है ये भी मुलाजम ने इन्होंने लिया के कपड़े पवाए पर साडा सिस्टम एग्जस्ट नहीं करता सी कुछ कर नहीं पा रहे हुण जे सारे चाहण भी इहनू किसी जगह ते छड्डे आईए इदां दी कोई स्पेस ही नहीं बनी हुई जिते असीं घट्टो घट्ट इस भैन नूं जाके छड सकीए पर साडे पता नहीं किहड़े चंगे कर्म आ भी जिहड़ी बाबा जी ने सानूं ड्यूटी लाई आ आपां इहनूं भैन नूं पुछदे आ मिलदे आ इहदा चेहरा पछाणिओ जे कोई दस सकदा जे इहनूं कोई पहचानदा वा तां संपर्क करिओ। भैने की नाम तेरा दीदी क्या नाम है एक चेयर मंगाओ कुर्सी जी तो कुर्सी फड़े तो कुर्सी एक भैने पानी पीला पीला पानी पीला तुम पिलाओ भैने लेडीज कर दो। देखो साढ़े नाल साढ़े टीम के मैंबर आए ने हरजीत भैन जी आए ने नाल वाहेगुरु कृपा कर इस भैन का सानू घर बार लभ सके इहदा परिवार का पता लग सके ते नहीं तो अज इंसान की हालत इस तरह की हो गई आ भी असीं एक जानवर तो भी बदतर जीवन बतीत करते हैं। उपर बह जाओ भैने कुर्सी से बह जाओ भैने इतने बह जा चेयर से बह जा हाँ भैने की नाम तेरा पिछे मारी रबड़ जी पा दो रबड़ पा दो है इस भैन का घर परिवार लभण विच साडा सहयोग दिओ इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो तां जो कैप्टन सरूप सिंह भुपिंदर सिंह करण सिंह उहनां वल्लियों भैणे की नां तुहाडा नवतेज कौर भैण वल्लियों इह कीता होइआ उपराला सफल हो सके। देखो इंसान दा फर्ज आ अपना कर्म करना भगवान का सच्चे पातशाह महाराज का साडे ते जदों मेहर भरिया हथ हुंदा उहदा फल मिलदा। इस कार्ज के वास्ते असीं अपने आप नूं बड़भागे समझदे हां भी सच्चे पातशाह वाहिगुरू ने सानूं चुणिया सानूं इह ड्यूटियां बख्शियां भी इस तरह दीआं भैणां साडीआं मावां बच्चे बजुर्ग नौजवान वीर जिहड़े सड़कां ते रुलदे आ उहनां दी असी एक कणका मात्र भी सेवा कर सकी। साढ़े सुपनिया के घर लुधियाने शहर के बाहरले पासे पिंड हसनपुर के असी इस भैन नूं लैके जा रहे हैं उते इहदा दिमागी संतुलन आ भैन दा इस टाइम बहुत ही ज्यादा अपसैट आ ट्रीटमेंट शुरू होगा ठीक होके भैन अपना घर बार एड्रैस दसण योग हो जाएंगे। उस तो पहला जे तुसी दस सकते हो जे जानते पहचानते हो इस चेहरे नूं तां तुसीं वी साडे नाल जरूर संपर्क करो। हाँ जी हाँ जी भाई जी आइए 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 बहन आ जाओ अगे डरो मत
जानते हो आप इसको? जानते हो इसका घर वाला? वो वहाँ ड्यूटी करता है, वहाँ बर्मा ठेकेदार में। कहाँ पे? बर्मा ठेकेदार में। बर्मा ठेकेदार? हाँ जी। वो कहाँ पे बर्मा ठेकेदार? ये पड़ता है जेके में। जेके स्टेट में? हाँ जी। कितने हैं? कितने हैं उसका घर वाला? केड़ी गली जी कर रहे हो? दसी कर दीजिए। इसका घर जेके स्टेट में बैठे ना जी, बर्मा ठेकेदार। सुनिए, पहले इस गली में रहता था ठीक, तो दूसरे गली में यहाँ से जब लाला बोला कि यहाँ से खाली कर दे भाई, तो खाली करके पता नहीं इधर ले लिया किधर। कोई बंदा है जरा को उसके घर को जानता होगा? मैं गाड़ी में लेके वाला है, उसका घर वाला से आप बात करिए। नंबर है उसका आपके पास? हमारे पास नहीं है लाला के पास। आप जाइए लाला के पास, चलिए। मैं पास के पास नहीं, पवन पवन लाला देखिए बेटा, नंबर नंबर है। अरे नंबर है कुड़ी को था तो कहा हम लोग तो पता था। उसने आप अपने आप छोड़ दिया इसको? इसको तीन बच्चे भी हैं। अच्छा, तीन बच्चा भी इसका? क्या नाम है इसका? इसका नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्या नाम है बेटा इसका, दीदी का? इसका नाम मुझे याद नहीं है। हाँ, इसके पति का नाम क्या है? इसके पति का हसीफुल नाम है। क्या? हसीफुल। हसीफुल यूपी से है या बिहार से? बिहार से। बिहार से है। हाँ, इस पास से तो बहुत ज्यादा कोशिश करता रहा कि पता चले। नहीं पता चलता जी जी। चलो कुदरत मिल गई आप, कोशिश करे हो ना बर्मा ठेकेदार दस देने जेके स्टेट च। कोई बंदे आ गए ना संपर्क ना लेके गड्डी? किसका नंबर है बेटा? हसीफुल का। अरे पति का नंबर मिल गया? पहले जाके आए हैं सीधे मिलियाणी तेरे घर वाला? हां जी, लक्की जी बेड़े पहले कहने उठे जाके आए हैं। हेलो हसीफुल। हेलो हेलो, कौन हसीफुल बोल रहा है? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? मैं गुरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ। मैं हसीफुल से बात करना है। उसी का नंबर है? नहीं, दूसरे का नंबर। किसका नंबर है? उसी का नंबर है। हम पूछ रहे हैं, उसकी घरवाली के पास खड़े हैं हम लोग, ये थाना से भी खड़े हैं पुलिस वाले अंकल यहाँ पे। आप बात करवाइए उसके साथ हमारी। नहीं है, वो चला गया। कहाँ चला गया? हिमाचल। कहाँ चला गया? हिमाचल। नहीं, अपनी घरवाली को और बच्चे बच्चे कहाँ पे उसके? गांव में। गांव कहाँ सा है? कटिहार जिला। कटिहार जिला? हाँ जी। और उसका फोन नंबर दीजिए, आप फोन नंबर बोलिए आप। उसका फोन नंबर, वो सिम तो मेरा लगा कर रखा था, तो मैं सिम ले लिया। वो जाएगा तब वहाँ लगाएगा तब ना बात करेगा। कब कब गया वो जी? कल गया। कल तो घर वाली को इधर ही छोड़ गया? हाँ जी। नहीं गया तो उसको क्या करता? उसको चेक करना मारता? नहीं, उसका मार रहा था सर। उसका इलाज करवा सकता था, हॉस्पिटल में दाखिल करवा सकता था उसको। छोड़ दो, करवा दो आप, तो पुलिस आइए गया तो करवा दो आप ही सब। नहीं, हम तो करवाएंगे, पर घर एक मेंबर परिवार का चाहिए। हम इलाज करवा देंगे, आपका कोई खर्चा नहीं आएगा, पर परिवार का एक मेंबर का साथ चाहिए हमें। नहीं अंकल, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को देखा कपड़ा उपड़ा सारा फाड़ मारा है ऐसे, मैं नहीं जाऊंगा। उसको हम संभाल लेंगे, पर आपका साथ चाहिए बस। नहीं, मैं नहीं जाने वाला। आपका क्या लगता है हसीफुल? हसीफुल क्या लगता है आपका? देवर लगता था। देवर? हाँ जी जी। आपकी दरानी है? हाँ जी। तो आपका और कौन है जहाँ पे? और कोई नहीं है, मैं अकेले थी। नहीं, इसका जो आपका घर वाला है वो कहाँ पे है? मेरा घर वाला कमरा पर होगा। कमरा पे गया है। ओके, गांव कौन सा है आपका वहाँ पे? कटिहार। कटिहार तो जिला है ना, गांव का नाम? गांव का नाम है वो बरसोई। कौन सा? बरसोई। बरसोई बरसोई। इस लड़की का नाम क्या है? मुन्नी। अरे मुन्नी, ये तेरी जेठानी से बात करो। ये तेरी जेठानी है, आपका क्या नाम है बहन जी? हाँ? तुम्हारा नाम क्या है? सरिता। सरिता से बात करो। बात करो बेटा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे बेटा। हम तेरे को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ना। अपनी जेठानी से बात कर लो बेटा एक बार। ये बिल्कुल बिना कपड़े के सड़क के ऊपर पड़ी है, नस बिना, बिल्कुल कपड़ों के बिना। वैसे किया था तो देखा अंकल, मैं 9-10 बजे रात तक झंझर काटा, तब मैं गया कमरा भाग कर।
जी मेरे को रोड पर दौड़ा दिया था, मार रहा था। बेटा आप बहन जी पुलिस के पास चले जाते, कहीं तो जाते आप, इसका कोई इंतजाम तो करते आप। आप इसका कुछ नहीं करूंगा अंकल जी, अब छोड़ दो उसको, मरना है जीना है वही पर रहेगा। यहीं पे छोड़ दें हम भी, छोड़ दो। आपके पास इसका आधार कार्ड है, आधार कार्ड मिल जाएगा इसका? नहीं, कोई आधार कार्ड मिल जाए हम इसको हॉस्पिटल में दाखिल करवा देते हैं। ऐसे ऐसे दाखिल करवा दोगे लवारिस रखे हम इसको, लवारिस छोड़ दे। नहीं, आपके पास इसका कोई आधार कार्ड वगैरह होगा, कोई वोटर कार्ड होगा? नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। बहन जी आप जैसे बोल रहे हो, रोज जाता है, रोज जाता है, रोज जाता है, उसको कोई नहीं है। नहीं बहन जी ऐसे मत बोलिए, आप इसको लवारिस छोड़ दो, मरने दो इसको, ऐसे क्यों मरने दीजिए, भी इंसान है ना। मैं करूँ अंकल, बहुत मैं रोकोगर जितना किया है ना, दूसरा रहता है ना तो कोई नहीं कर पाता है, अपनी भी बच्चा भी उसका है ना जी, मेरे अलावा वो वहाँ पे रह रहा है जिस साल में। हम वही बोल रहे हैं, हम मदद करने के लिए तैयार हैं, हम एनजीओ से आए हैं, हम मदद करेंगे, इसका इलाज करा देंगे, आपका साथ चाहिए बस। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को तो भी तीन बच्चा है, वो घर वाला घर वाला है, दो तीन बच्चे आप, क्या रहा आप साथ मत जाइए, मैं उसको पीछे जाऊंगा, मेरे को मारने लगेगा, आप इलाज करोगे, मेरे ही को मार डालेगा वो ट्रेन में, नहीं, नहीं, हम गाड़ी में, हम इलाज करवा लेंगे बहन जी, जाओ आप लेकर बात खत्म, बस आप एक बार इधर आ जाइए एक मिनट, हम ले जाएंगे। नहीं अंकल मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं जाएगा नहीं, मेरे को वो सामने देखे ना, पति है जो वो आपके साथ रहता है अब? नहीं। हाँ जी नहीं रहता है, वो चला गया घर अपना। जी मोहल्ले वाले लोग बोल रहे हैं वो आप ही के साथ रहता है। नहीं रहता था, अब नहीं है, इसीलिए जो परेशान हो गया लड़की। चलो चलो कमरे भी चलो, कमरे भी चलो, चले वहाँ भी चलो, तब पर भी बात नहीं माना, तो उसको छोड़ कर चला गया, जो मरने दे। अच्छा इसीलिए छोड़ के चला गया वो। हाँ बहन जी इसके तीन बच्चे हैं, इसका पति का फर्ज बनता है इसको आके संभाले, ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकता है। लवारिस संभाला बोला ना अंकल जी, उसको लवारिस में घोस दे तो हो गया ये तो किसी गलते नहीं आ रहे जी, इन्होंने तो तुम नंबर नोट करो प्लीज, इन्हों का 82 नंबर वेखो जी किदां दा है ना, घोर कल युग चलदा। इस लेडी का जिहड़ा हसबेंड आ पति आ उहदा फोन एक होर लेडी चक रही आ, वह कह रही है भी उहदा हिमाचल चला गया, भी वह नहीं आऊगा हुण, यह मरे जीवे छड़ दो इहनूं इत्थे, इसको छोड़ दो आप, इहदे बच्चे कित्थे आ, बच्चे हमारे पास है, गांव भेज दिए हमने, यह कौन आ, इस बारा कुछ नहीं लगती, जीए मरे हमें कुछ नहीं है। देखो वो बंदा कोले ही आ, क्योंकि वह फोन नंबर वो कोले आ, मतलब वो उन्हें कितने जाना होर, पर अज दुख की गल यह आ भी अज के इंसान की कीमत, अज के इंसान की वैल्यू, अज के इंसान के बची हुई जी इंसानियत आ वो किस लैवल तक चले गई आ, इन तस्वीर देख के सानू भली भार दिखाई दिता, सानू समझना चाहिए सानू अपना फर्ज, यह भी वो लोग ने जिहड़े अपने फर्ज नूं पछाण के इत्थे खड़े ने, कि वीरे उन्हीं ड्यूटी तो उपर उठ के ड्यूटी निभा रहे ने, भैन उन्हीं ड्यूटी तो उपर उठ के ड्यूटी निभा रहे ने, नहीं तो इन्हां दे भी महकमे दे विच बहुत सारे लोग सी जिहड़े देख के चले गए, यह भी जा सकते सी की करना इत्थे, पर सवेर दे खड़े असीं अज बाहर सी किते, साडे नाल करीब मिलना दा भी 11-12 बजे की गल चलती आ, 11-12 बजे दा साडे नाल रास्ते च ने वीरे होणी, बार बार साडे नाल कॉन्टैक्ट कर रहे ने, इत्थे कोले खड़े ने, इहदे इत्थे ही आसे पासे रह के इन्हां ने 5-7 घंटे साडी वेट कीती, भैण उन्हां नूं सद के इहदे कपड़े पवाए, इहदा नाम मुन्नी आ, इह मुन्नी दी कोई वैल्यू नहीं, इत्थे परदेसी आ, बिहार तों कटिहार जिला दसदे आ,
उतो ब्याह के इतने ले आया परदेसी तीन बच्चे हो गए बच्चे भी वापस पिंड भेजते हैं आप भी वह छड़ के परे हो गया इतों के जोड़े लोग दसते ने गल भी ये हसबेंड ने अगों किसी होर लेडी दे नाल रहना शुरू करता जिहड़ा दिमाग दे उत्ते असर मुन्नी दे पिया क्योंकि चाहे जिद्दां भी मर्जी है साडे देश दे विच भारत देश दे विच साडियां मावां ते भैणां नूं एक संस्कार जिहड़े मिलदे आ उह हमेशा अपने पति दे लई जीणा ते मरना उहदे नाल ही मरना ते उहदे नाल ही जीउणा पर अज इस मर्द प्रधान समाज दे विच इन्हां साडियां धीआं नूं इन्हां भैणां नूं चाहे परदेसां नाल चाहे जो भी मर्जी है तां इंसान ही है तां इह भी एक उस रब की रूह है जिहनूं असीं मनदे हां इहदे विच भी उही रब वसदा जिहड़ा साडे अंदर आ असीं क्यों इह चीज़ां भुल जांदे हां इत्थों दे गुजरन वाले लोग पता नहीं किन्नियां अखां ने इस भैण नूं कल दे कल शाम दी इह बिना कपड़ियां तों बैठी आ किन्ने लोगों ने देखा वो किन्नी धुप सी बाई उन्हें दसदे आ अज हुण दुपहरे इन्नी ज्यादा गर्मी सी असीं 10 मिनट भी नहीं खड़ सकते उस गर्मी ये उस जगह ते नगन अवस्था च पई सी भैण बिल्कुल बिना कपड़े जे कोई पाउंदे सी कपड़े फिर ला दिंदे सी इहदे पिछे भी एक लॉजिक आ असीं अगे भी अपनी वीडियो च दसदे आ इस तरह दी अबला नारी जो सड़क से दिमागी अपसैट होकर इस तरह के हालात पहुंच जांदियां रात का जो नेरा होंदा इन्हां नूं गिरद इन्हां नूं वो घटिया वो दरिंदे आके नोच नोच के खांदे आ ते दिन चढ़दे नूं वो दरिंदे छड्ड के भज जांदे आ इस तरह यह वर्तारा पता नहीं किन्ने दिनों तो इस भैन नाल चल रहा हो अज यह बिना कपड़िया तो नहीं सी पई यह बेइज्जत हुई साडी छोटी भैन साडे मूंह ते चपेड़ मार रही सी सानू शर्म आनी चाहिए असी इस समाज का हिस्सा वा साडे मॉरल वैल्यूज ने साडियां जिहड़ियां उन्हां नूं पछाण के हर एक बंदे नूं अपना फर्ज समझना चाहिए जिदा जिन्हां भैणां ने समझिया वीरे उन्हां ने समझिया जे सारे लोग इस तरह की सोच रखण तां साडियां धीआं नूं इस तरह रौलना ना पवे साडियां भैणां नूं इस तरह रौलना ना पवे ते असीं हुण भैण नूं अपने नाल लैके चलने आ वाहिगुरू कृपा करन सच्चे पातशाह दे घर वाले नूं समत बख्शण इहदे परिवारक मैंबरां नूं अकल बख्शण उहदा साथ देण जब तक साडी ड्यूटी लाई है वाहेगुरू जी ने उन्हां नूं कोई अल्लाह कोई राम कोई भगवान कोई वाहेगुरू जी के नाम ना जानते ने ते असीं पूरी कोशिश करांगे इस भैण नूं उत्थे एक चंगा रहण नूं चंगा इलाज खाण पैण नूं पहनण नूं मिल सके अरदास करियो इन्हां वीरां दा कीता होया है जतन नेपरे चढ़ सके ਇਹ ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇ ਚਲੋ ਭੈਣੇ ਮੁੰਨੂ ਚਲੋ ਬਹਿਣ ਫੜੋ ਭੈਣੇ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਬੱਚੇ ਜਹੀ ਪਏ ਆ पति ने मारा पति मारता दूसर कोई नहीं मारते पति मारते हैं और कोई नहीं मारते किसकी अभी बात हुआ हमारा जेठानी से वो बोलता है इसका पति चले गया हिमाचल काम करने रखी है अच्छा वो लड़की के साथ है वो रह रहा है पागल जी बिठाओ गड्डी भैने चलो चलो मुन्नी बैठो
ਨਹੀਂ ਬੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ ਸਰ ਐਂਡ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬੋਲਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਬਹਿਣ ਆਪ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰੁਕੋ ਬਿਠਾ ਲਓ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਰਾਜੂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਾ ਬੈਠੋ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ 16 ਸਾਲ ਕਮਰੇ ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜੋ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਨ ਜੀ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਧੀਰਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਕਾ ਸੁਧੀਰਾ ਬੈਨ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਕੋ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚਲੇ ਇਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਇਸਕੇ ਪਤੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਹਮੇ ਨੰਬਰ ਆਪ ਹਮ ਆਪਕਾ ਆਪਕੋ ਨੰਬਰ ਦੇਤੇ ਹੈ ਆਪਣਾ मगर ये अगर कोई पता लगता है इनको बता देना हम अपना कार दे देते हैं एक मिनट बने लाइट एक मिनट बच्चे बिछड़ जाएंगे तो अच्छा होगा हाँ जी कार दे कार देगा बता दोगे कुछ ना कुछ समस्या का हल कर दे गली में आए आपको कुछ पता चले आपका नाम नहीं आगे आएगा आपने बताना है बस हाँ हमारे नंबर पे फोन करके बताना मुन्नी जो आप मुंडिया से लेके गए थे उसके बारे में जो भी आपको मिलेगा इनको बता देना आप यानी कि इसको जो कपड़े वपड़े फाड़ के इसका वो घर वाला ही गया है लब में दरबार जी तुम अपनी ड्यूटी निभाए ठीक है भाई जी शुक्रिया जी उसे जाना है ड्रेस लैके बहुत शुक्रिया भाई जी बहुत ज्यादा शुक्रिया हाँ जी मैं तुम दसदा करदा भुपिंदर सिंह जी सर तुम माड़ी कर दो सैन अपना नंबर पा लाले साइन मार दो आज भैन नवजोत भैन भी कर दो बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया भैने बहुत शुक्रिया भैन मेरे लभन भी गए थी शुक्रिया मेरी भैन वाहेगुरु जी ठीक है मैं नंबर भी इस थले पा लेंगे अपना सानू जो भी कोई इनफॉरमेशन मिले अभी तुम दसांगे जे तुहानू मिलदे तुसीं साडे नाल हां जी कर लो हां जी थैंक यू भैने थैंक यू वीर जी थैंक यू जी थैंक यू कैप्टन साहब बहुत शुक्रिया तुहाडा ठीक है भाई जी सत श्री अकाल नहीं नहीं कोई गल नहीं राजू जी इहनां दे राजू दे साइन कराओ जिहड़े आयो राजू भाई जी दे दो आजो सारा कुछ राजू वीरे बहुत शुक्रिया तेरा भाई भरावा मेरा किन्ने फोन कराए इत्थे मोबाइल नंबर असीं अज बाहर सी वीरे जदों ही आए हैं अभी सीधे थोड़े को नहीं आए हैं ये सारा पानी पुनी है पूरा पलाया वो नंबर ही पाया मैं तक देख रहा हूँ आज दिया आज पटकी आई जानी है इन्हें सेवा करिए बाकी कोई नहीं कहना एक आप बंदा खड़ा बाकी सब स्वाद आ रहे हैं मैं ही है भाई ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀਰੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰੱਖੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ 5-7 ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਮਿੰਟ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੌਣੀ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਿਆ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੜਕ ਦੇਖਣੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਚਲ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰੋਈ ਕਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੋਣਦੇ 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 ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਚੱਕ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਲੇਡੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਭੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਈ ਆ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ
मुन्नी अपने बच्चों जाए अपने परिवार बाकी बहुत शुक्रिया उन्होंने वीर जिन्होंने सानू दसिया उपराला करने इस सेवा के सहयोग दिता माड़ा खिच के कर दो मेरे करो फोटो अगे चलो जी आप बजा रहा करो माड़ा जहा हाँ जी ठीक है भाई जी वाहगुरु जी का खालसा आरती फाड़ा अले जी का उसके पति से जो बात हो गया तो हमारी बात करवाना।